सर सर ये क्या अमित शाह के इशारे पे हो रहा था ये सब है? ये सब जो छुटभैये नेता थे सेकंड रंग लीडर अमित शाह के इशारे पे आपको तंग कर रहे थे? सर क्या कर रहे थे वो जो था अब उसके इशारे पर जो थे अब एक के बारे में तो बताए ना आप दोनों लोग यहाँ पे आए थे इनके यहाँ आज सब कुछ हुआ तो वो जिसके चक्कर में है ना हम लोग को सुनने में आया कि तेजस्वी यादव को भूपेंद्र यादव जी फोन कर रहे थे परसों लगातार कि भाई आप मत जाइए नीतीश जी के साथ। तेजस्वी जी क्या ये सही है? दोनों लोग हैं तेजस्वी जी यथाशीघ्र। तेजस्वी जी क्या ये सही है? सब अपने पार्टी सब क्या ये सही है कि भूपेंद्र यादव जी का फोन आया था? एक बात हम लोग के नेता महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी है और हम लोग मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। जो लोगों को चिंता हो रही है कई बार सत्ता से बाहर जाने का उनको 24 की चिंता है। इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सप्तमूर्ति पर माल्य अर्पण करने के लिए पहुंचे हैं। बता दें आपको कि आज उन्होंने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी हमारे पार्टी में जो एक लोग थे उनके साथ मिलकर उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया है। सवाल ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो तेजस्वी यादव को भी फ़ोन कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने भी इस बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम महागठबंधन में हैं और महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है सुनवाते हैं उनके बयान को। तो सबसे पहले जो बापू के नेतृत्व में हुआ देश की आज़ादी के लिए जो कुछ भी काम आप जानते हैं ये 9 तारीख से शुरू हुआ अक्टूबर से 1942 और बिहार में और पटना में वही 11 तारीख को यहाँ पर इन सब लोगों ने त्याग किया इतनी इनकी कुर्बानी हुई तो तब से तो हम लोग आते हैं मनाते हैं और इसमें कई लोगों के परिवार तक में हम लोग जाते हैं तो ये तो आकर के सब लोगों को पता ही ना भाई देश कैसे आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के लिए जिनकी कुर्बानी चाहिए बीजेपी ने सरकार की समय सीमा 6 से 8 महीने तय कर दी है उससे ज्यादा नहीं चलेगी सरकार ये बीजेपी ने बीजेपी बोल रही है कि 6 से 8 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम के सीएम ने ये बात कहा है ये ना भाई जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। कौन कौन लोग बोलता है एक आदमी को देखे नहीं क्या बोल दिए मेरे बारे में क्या उप राष्ट्रपति बनना चाहते थे क्या मजाक सही बात क्या है एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं आप लोग नहीं पूछे हमसे राष्ट्रपति वाला भी उप राष्ट्रपति एकदम बोगस बात है हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया और वही तो वेट कर रहे थे जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं बेचारे आप बोल रहे हैं आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं तो आजकल बोल रहे हैं तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना है कुछ उनको जगह मिल जाए पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी पहले हुआ करते थे वो नहीं थे इसीलिए गठबंधन टूट गया क्या। अरे क्या बात करते हैं ये लोग किस तरह से काम किए हैं हम चाहते थे बनना हम तो बनना भी नहीं चाहते थे पिछली बार कल भी कह दिए हैं लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे ये तो बहुत ठीक नहीं ना था। और हम लोग बोलिए ना इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब और उसके बाद फिर जो करके तो फिर हम लोग अब साथ आ गए हैं हम मिल करके काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे करे हम लोग जान लीजिए पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का इसकी चिंता मत करिए। आज जिनको जो मन में आता है देखिए जो पावर में है आप पूरा का पूरा आजकल का सारा एक एक चीज पर अधिकार है तो अपना जितना प्रचार करते ना उसे क्या मतलब कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया पीएफआई पे कार्रवाई हुई छोड़िए ना ये सब फालतू चीज है बिना मतलब की बात है। अब क्या हुआ था हम लोगों का कोई था हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी और अब जिस तरह से हराया गया था
हम लोगों का लोग उनको जिताने में मदद करते, हम कल ही कह चुके हैं, इसलिए ये सब बेकार चीज सोच रहे हैं। जो काम नहीं हो रहा है और जिस तरह का दृश्य था, अब बोलिए ना भाई, आखिर पार्टी के सब लोग सब दिन रहते हैं, अब भीतर से हमारे पार्टी में सब लोगों की छाती, आपको मालूम है दूसरे राज्यों के लोग आए जो हमारी पार्टी को और अन्य राज्यों में मत, सब जगह के लोग आकर के, सर ये क्या अमित शाह के इशारे पे हो रहा था ये सब है? ये सब जो छुटभैये नेता थे, सेकंड रंग लीडर, अमित शाह के इशारे पे आपको तंग कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहे थे, वो जो था अब उसके इशारे पर जो थे, अब एक के बारे में तो बताए ना, आप दोनों लोग यहाँ पे आए थे इनके यहाँ, आज सब कुछ हुआ तो वो जिसके चक्कर में है ना। हम लोग को सुनने में आया कि तेजस्वी यादव को भूपेंद्र यादव जी फोन कर रहे थे परसों लगातार कि भाई आप मत जाइए नीतीश जी के साथ, तेजस्वी जी क्या ये सही है? दोनों लोग हैं तेजस्वी जी, यथाशीघ्र तेजस्वी जी क्या ये सही है? सब अपने पार्टी सब क्या ये सही है कि भूपेंद्र यादव जी का फोन आया था? एक बात समझ, हम लोग के नेता महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी है और हम लोग मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। जो लोगों को चिंता हो रही है कई बार सत्ता से बाहर जाने का, उनको 24 की चिंता है। अच्छा सर, ये स्पीकर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आप ना कहिएगा सर, आप लोग इतने बड़े हैं, क्या स्पीकर साहब को इस्तीफा देना चाहिए? नंबर तो नहीं है, अब जो मत करे, वो बोल रहे हैं कि अभी हम बने रहेंगे। अच्छा अब आप ही जोड़ लीजिए, नियम देख लीजिए, कानून देख, आज जिसके समर्थन से आ गए अब वो सब अलग हो गया, किसी के मन में कुछ सोच रहा है, के चक्कर में हड्डी टूटा जाएगा हम लोग। सर गृह विभाग आप ही के पास रहेगा? गृह विभाग आपके पास, गृह विभाग को लेकर चर्चा हो रही है, कहाँ रहेगा गृह विभाग? गृह विभाग किसके पास रहेगा इसकी चर्चा? बोलने दीजिए, आपको क्या कर रहे हैं? इन लोग को भी खेल लेना चाहिए।